टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुमरा के फायर ब्रिगेड पे और आपको बता दें कि कोरोना टेस्टिंग के लिए एक बूथ यहाँ फायर ब्रिगेड पे लगाया गया। हालांकि ये बूथ जो है ये ठाणे महानगर पालिका के तरफ से लगाया गया। आपको बता दें कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर इंचार्ज हैं शैलेश यादव, उनके अधीन जो है ये इसकी देख रेख कर रहे हैं और जो उनके सेंटर के तरफ से जो कोरोना के रिपोर्ट थे वो काफ़ी अच्छे रिपोर्ट दिए गए, जिसके वजह से उन्हें मुमरा और दीवा और कलवा में जो है ऐसे बूथ ठाणे महानगर पालिका की तरफ से लगा कर दिए गए हैं ताकि ये लोगों के जो है कोरोना टेस्टिंग कर सके। हमारे साथ शैलेश यादव जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, अब तक जो है मुमरा आशील और कलवा हो गया या फिर दिया होगा, तो ऐसे कितने बूथ है आपकी तरफ से जो है ठाणे महानगर पालिका ने दिए लगाने के लिए? जी सर, सबसे पहले हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक को टीएमसी गवर्नमेंट ने दिया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है। हम पूरे मुंबई में कोविड टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमें दिया है ठाणे के अलावा मुंबई में, पूरी मुंबई में भी हम कर रहे हैं कोविड टेस्ट और यहाँ पे स्पेशल हमें टीएमसी गवर्नमेंट ने बूथ दिया। जैसे यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी हमारा बूथ है, पीएससी सेंटर सील का है वहाँ पे बूथ है, दीवा का पीएससी सेंटर है वहाँ पे हमारा बूथ है। सर, ये जो बूथ है यहाँ पर जो है कोरोना के जो टेस्टिंग है उसके लिए कितने चार्जेज आपके तरफ से लिए जा रहे हैं? हाँ, हमारी कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक यहाँ पे जो भी पेशेंट आ रही है हमारे बूथ पे 2500 रुपया ले रही है। 2500 रुपया। और रिपोर्ट उनको कितने घंटे में? विद इन 24 आवर्स में दे रहे हैं रिपोर्ट, और मैक्सिमम 48 आवर्स जो एज पर ICMR गाइडलाइन या TMC गाइडलाइन हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट मतलब यहाँ आके लेना पड़ेगा या उनको मेल है या और किसी व्हाट्सएप के जरिए या डॉक्टर के जरिए उन तक पहुँच? रिपोर्ट हम मोस्टली तो हम लोग डॉक्टर के जरिए ही दे रहे हैं क्योंकि एज पर ICMR गाइडलाइन ही हम सब काम कर रहे हैं। जैसे हमको ICMR ने बोला है हम रिपोर्ट डॉक्टर को दे रहे हैं, हॉस्पिटल को दे रहे हैं, उनके थ्रू पेशेंट को रिपोर्ट मिल रहे हैं। तो अभी जब से बूथ यहाँ पर चालू किए हैं आपने तो तब से कितने लोगों ने यहाँ पर जो है अपना कोरोना टेस्ट कराया है? अभी तो काफ़ी लोगों ने कराया है, जैसे कि 150 से 200 लोगों ने करा लिया है अभी तक। हाँ, तो इसके अलावा और भी कुछ है आपके यहाँ से कुछ फैसिलिटी है लोगों के लिए इस बूथ से? फैसिलिटी कैसा है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, हमारे टेक्नीशियन है, हमारी टीम है पूरी प्रॉपर यहाँ लोगों को गाइड कर रही है और लोगों का स्वैब टेस्ट बराबर ले रही है, ये सब कर रही है। सर, आप जो कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर बता रहे हैं कि अच्छा उसने जो है रिपोर्ट लिया, तो ये कहाँ पर है और कहाँ पर ये कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया जाता है? हमारी कंपनी का नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, सॉरी कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। हमारा बेस है पुणे बेस है और हम यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो हम लोग हमारा है सब सिटी MRI एक्सरे हम लोग डायग्नोस्टिक सेंटर में है, सेक्टर में है। तो हम लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, जो भी रेट जैसे अभी डायग्नोस्टिक के अगर कोई आप MRI करने जा रहे हो तो 10,000 है, हमारे यहाँ पे MRI 2,500 में और CT स्कैन सिर्फ 1,100 में, एक्सरे के रेट के बराबर हमें हम CT स्कैन करके दे रहे हैं और 128 स्लाइस 1.5 टेस्ला मशीनें जो एडवांस मशीनें हम दे रही है हमारी कंपनी, तो और सर्विसेज भी है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो उसके बाद CT MRI हो गया एक्सरे डायग्नोस्टिक का, प्लस हम कोविड में हमारा लैब है शास्त्री हॉस्पिटल में, शास्त्री नगर हॉस्पिटल है डोंबिवली, वहाँ पे हमारा लैब हम लोग और टेस्ट करते हैं, रूटीन से लेकर स्पेशल सभी टेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो आपने सुना कि जिस तरह से शैलेश यादव जो हैं उन्होंने जानकारी दी कि इस तरह की जो बूथ है ये मुमरा फायर ब्रिगेड पर भी है और शील में भी है, कलवा में भी है और दीवा में भी है। कहीं ना कहीं अब इस बूथ ऐसे बूथ से लगाने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, लोग तो अपना कोरोना टेस्ट जो है करा सकेंगे यहाँ आकर और उन्हें रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।